तो दोस्तों मैं आज आ चुका हूँ अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में वापस। और यहाँ पे आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि मैंने अपना नया सर्वाइवल वर्ल्ड शुरू किया था और आज मैं सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाने वाला हूँ अपने लिए एक मजेदार सा हाउस, जिसको देखकर आपको भी बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और वो घर इतना बड़ा होने वाला है कि मैं क्या बताऊँ, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा सामान भी चाहिए होगा और उसके लिए मैंने कुछ भी कलेक्ट नहीं किया है और एक जगह भी देखनी पड़ेगी जहाँ पे मैं उसको बनाऊंगा। तो पहले चलते हैं, एक जगह देखते हैं अच्छी सी, वहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे। एंड मेरे को एक जगह पहले से पता है जहाँ पे मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैं वहाँ पे अपना घर बना सकता हूँ, तो पहले चलते हैं वहाँ पे। तो यही जगह है वो जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया प्लेन है जहाँ पे मैं घर बना सकता हूँ अपना, और जो प्लेन नहीं है उसे मैं प्लेन कर दूंगा खुद ही। और यार मुझे बहुत सारा सामान भी चाहिए उस घर को बनाने के लिए, तो मुझे वो भी कलेक्ट करना होगा। तो सबसे ज्यादा जो मटेरियल मुझे चाहिए वो है ओकवुड, तो ओकवुड मैं यहीं से कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो चलो फिर अपने मटेरियल लिस्ट का पहला आइटम भी कलेक्ट कर लेते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अभी मैंने अपने लिए ओकवुड दो बहुत सारी क्लैट कर लिए, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कितनी सारी क्लैट कर लिया है। और शायद ये मेरी ज्यादा ही हो जाए अपने घर के लिए, लेकिन देखते हैं आगे। एंड मेरा सेकंड मटेरियल जो है वो भी वुड ही है, लेकिन वो दूसरी डार्क ओक की वुड है। तो चलो अभी उसको भी लेके आते हैं, वो वाला जंगल मेरे घर से थोड़ा दूर है मेरे स्पॉन पॉइंट पे, तो चलते हैं अभी वहाँ पे पहले। तो गाइस यार अभी मैं उस वाले जंगल में भी पहुंच चुका हूं जहां पे मुझे डार्क ओक की वुड मिलनी है, तो यहां से मैं इसको बहुत सारी क्लैट कर लेता हूं और इसकी मैं सैपलिंग भी ले लूंगा और अपने घर पे जाकर प्लांट कर दूंगा। वहीं पे इसके ट्री ग्रो होंगे, फिर मैं वहीं से और भी इसको ले सकता हूँ। और ये आगे इसकी थोड़ी बहुत सैपलिंग। एंड अभी निकलते हैं अपने घर को एंड वहीं पे इस ट्री को प्लांट करेंगे एंड वहीं से और भी वुड को क्लैट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको प्लांट कर देता हूँ और ये यहाँ पर और भी ग्रो हो जाएंगे फिर। तो अभी मैं आ चुका अपने विलेज में वापस, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना था। लेकिन एक सेकेंड, ये कौन आया है हमारे विलेज में? अरे भैया आप तो वापिस आ गए यार फिर से सामान लेकर। चलो अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अभी तो मैं अपने घर में आया कुछ सामान लेने, लेकिन एक मिनट अपना काम कर ही लेता हूँ मैं पहले। तो अभी मैं यहाँ से अपनी चेस्ट में से कुछ डायमंड्स को ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए एक डायमंड की पिकैक्स, क्योंकि मुझे जाना है अभी स्टोन की माइनिंग करने के लिए और उस वाले बिल्ड में यहाँ पर मुझे स्टोन भी चाहिए। तो जल्दी जल्दी बहुत सारे स्टोन को भी क्लैट करके ले आते हैं अपने लिए। ओके तो अभी मैं यहाँ पर नीचे तो आ चुका हूँ, तो यहाँ से मैं अभी बहुत सारे स्टोन को माइन कर लेता हूँ। तो देखो आप लोग यहाँ पे, ओके तो यहाँ पर अपना स्टोन वाला काम भी हो चुका है। एंड मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टोन स्मेल्टिंग के लिए भी रख दिया है और यहाँ पे मैंने कुछ कॉबल स्टोन को भी रख दिया चेस्ट में, क्योंकि ये भी मेरे को चाहिए। एंड बाकी तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारा मटेरियल जो है कलेक्ट हो चुका है। एंड लास्ट काम जो बचता है वो है इस जगह को प्लेन करना और बहुत सारा अच्छा करना, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। तो देखो आप लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये वाले ट्रीज भी ग्रो होना शुरू हो गए हैं। तो चलो अभी इस एरिया को भी प्लेन कर लेते हैं। तो ओके गाइस यार यहाँ पे मेरा एरिया पूरा प्लेन भी हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा मैंने प्लेन कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक वांडरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ है, इसके ट्रेड देख लेते हैं। अभी ये इतनी ज़्यादा ट्रेड कैसे दे रहा है, मैंने पहली बार ही देखा कोई ट्रेडर दे रहा है इतनी ज़्यादा ट्रेड। चलो छोड़ो इसको, हम अपने घर बनाने पर ऊपर ध्यान देते हैं।
तो एरिया मेरा प्लेन हो चुका है एंड मटेरियल मेरा सारा कलेक्ट कर दिया है। तो अभी बात रहती है सिर्फ अपने घर को बनाना स्टार्ट करने की, तो चलो अब उसको अभी कर लेते हैं जल्दी। तो अभी मैंने अपने घर की नींव जो नीचे वाली है वो बना दिया है, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा मेरा घर कितना सा बनने वाला है। एंड जहाँ से ये दिख रहा है मेरा घर इतना सा नहीं बनने वाला है, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा बनने वाला है। तो देखो आप लोग, यहाँ पे अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिनेमैटिक शॉट को, तो पूरे देखना प्लीज़। फाइनली गाइस यार, यहाँ पर मेरा हाउस बनकर भी कंप्लीट हो चुका है। एंड यार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे तो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसको बनाते बनाते मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई यार। तो चलो अभी आपको मैं ये अंदर से भी दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख ही सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ वीट एंड पोटैटोस लगाए हैं, एंड उस तरफ भी मैंने अपने खाने का सामान ही लगाया है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ एनिमल्स रखने के लिए कुछ जगह बनाई है, एंड दूसरी तरफ भी ऐसे ही है कुछ, लेकिन इधर मैंने अभी कुछ भी नहीं रखा है। और इस घर के अंदर मैंने इतना कुछ खास भी नहीं रखा है, सिर्फ अभी चेस्टेस ही लगाई हैं और यहाँ पे फर्नेस लगाए हैं बहुत सारे। एंड यहाँ पे ये अंदर से आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ये इसका
सेकंड फ्लोर एंड ये आगे इसकी बालकनी जहाँ से मैं बाहर को देख सकता हूँ। एंड यहाँ पे भी मैंने नीचे कुछ चेस्टिस लगा रखी हैं और यहाँ से इसका रास्ता है इसके ऊपर वाले फ्लोर का। एंड यहाँ पे इसके 4 फ्लोर है टोटल एंड ये बिल्कुल ही खाली है। एंड इसके ऊपर एक और है एंड वो भी पूरा का पूरा खाली है। एंड ये सबसे टॉप वाला है एंड अभी के लिए ये पूरा घर खाली है और इसमें मैं सामान रखूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप मुझे बताना कि मैं क्या क्या रख सकता हूँ। तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। एंड मैंने जो अपना घर बनाना था वो भी बना लिया एंड आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा बनाया है। एंड तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार मेरी मेहनत के लिए। तो मैं मिलूंगा आपको एक ऐसी नई मजेदार वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।